ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज स्टॉक मार्केट पे ऐसी खबर आई जिसने हड़कंप पैदा कर दिया और सारे लेवल्स निफ्टी के टूटते चले जा रहे थे मॉर्निंग सेशन में। हुआ ये कि बजाज ऑटो ने नतीजे जारी किए और ये नतीजे अनुमान से कम रह गए। उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस को जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने कॉन्फिडेंस और हिला दिया। वैसे तो स्टॉक आज शुरुआत में एकदम से धड़ाम हो गया था, 7% नीचे चला गया था ओपनिंग टिक्स में। उसके बाद एक बार 10% का लोअर सर्किट बजाज ऑटो पर लग गया था और उभर ही नहीं पाया निचले स्तरों से। पूरे ऑटो इंडेक्स को बजाज ऑटो नीचे ले गया आज। अब बताते हैं आपको कि बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रहे, स्टॉक पे कितनी गिरावट रही और ब्रोकिंग हाउसेस का आउटलुक। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आज जो हुआ बजाज ऑटो में उसकी थोड़ी समरी आपको बताऊं। तो क्वार्टर टू नतीजों के बाद शेयर में जो गिरावट आई तो एक बार 11.5% 12% के आसपास का गोता लगा गया था, 10,200 के लेवल तक पहुंच गया। वहां से उसके आसपास से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन स्टेबल होगा कि नहीं पता नहीं। शेयर 2 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गया। शेयर में मार्च 2020 के बाद सबसे भयानक बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली है। रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड एबिटा पोस्ट किया क्वार्टर टू में, उसके बावजूद गिर इसलिए गया क्योंकि आउटलुक बाजार को पसंद नहीं आया, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो बाजार को पसंद नहीं आई। और 2024 में पहले ही चल चुका था, निफ्टी का तीसरा सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था 2024 में, अब तो वो पायदान खिसक के 7वें नंबर पर आ गया होगा आज की गिरावट के बाद। क्वार्टर टू नतीजों में मुनाफा 9.25% बढ़कर 2,005 करोड़ रुपए रहा वायरवा बेसिस पे। आय 21.8% बढ़कर 13,127 करोड़ रुपए रही। क्वार्टर टू में एबिट्टा 24.3% बढ़कर 2,653 करोड़ रुपए रहा और क्वार्टर टू में मार्जिन 19.79% से बढ़कर 20.21% रहे। वन टाइम एडिशनल प्रोविजन भी किया 211 करोड़ का डेफर्ड टैक्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद देखें तो नतीजे थे बाजार को इतने एनकरेजिंग नहीं लग रहे थे। ज़्यादातर जानकार इसको मिले जुले नतीजे बता रहे थे, लेकिन गाइडेंस ये थी असली दिक्कत, क्योंकि जो बाजार मान के चल रहा था उसके मुकाबले की गाइडेंस आई नहीं। बजाज ऑटो ने टू व्हीलर सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक 5% का दिया है, अनुमान से कम है। नोमोरा की माने तो FY27 तक सालाना 8% वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए, जिसमें जो घरेलू बाजार में 7% की वॉल्यूम ग्रोथ और एक्सपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से 10% की सालाना वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन बजाज ऑटो कह रहा है मात्र 5% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस यहीं से ही तनाव शुरू हो गया, क्योंकि हमको बहुत भरोसा ऑटो सेक्टर पे है और खासतौर से टू व्हीलर ऑटो जो कंपनियां हैं वहां से तो बहुत ही बेहतरीन उम्मीद थी कि सेल्स बिक्री बहुत अच्छी हो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन बजाज ऑटो ने पानी फेर दिया इन सब तमाम उम्मीदों पर। ऊपर से फिर ब्रोकिंग हाउसेस आज नेगेटिव रुख अपनाए हुए थे। 2 ब्रोकिंग हाउसेस बताता हूँ, बाकी तो थोड़ा न्यूट्रल और बुलिश स्टांस भी है बहुत ब्रोकिंग हाउसेस का, अभी भी वो टिके हुए हैं विकेट पे। लेकिन पहले सिटी ने सेल रेटिंग दे डाली 7,800 रुपये का टारगेट, तो हड़कंप तो यहीं से पैदा होना शुरू हुआ। सिटी ये कह रहा है कि त्योहारी सीजन में आउटलुक से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और पिछले साल के मुकाबले त्योहारों में इंडस्ट्री वॉल्यूम जो देखें वही 1-2% चढ़ी है। बजाज ऑटो 5% बोल रहा है, लेकिन वो भी अनुमान के मुताबिक नहीं है, तो हालत टाइट है। CLSA की अंडर परफॉर्म रेटिंग है, टारगेट दे रहे हैं 9,493 रुपये का, तो शेयर आज 10,200 के करीब तो पहुंच गया था। एक्सपोर्ट वॉल्यूम लोअर बेस पर रिकवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं, और CLSA कह रहा है कि शेयर के वैल्यूएशन महंगे हैं। FY26 एक्सपेक्टेड PE देखें तो 33 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से महंगा है। भविष्य में नए EV लॉन्च पर फोकस ये अच्छी रणनीति है, तो IC व्हीकल्स तो हैं ही पोर्टफोलियो में, लेकिन जो EV व्हीकल वर्टिकल आएगा उससे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं और वो टारगेट बहुत नीचे का दे रहे हैं 9,493 का अंडर परफॉर्म रेटिंग। फिर मैक्वेरी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी 11,200 के टारगेट के लिए न्यूट्रल रेटिंग, लेकिन शेयर मार्केट आज तोड़ रहा है स्टॉक को। क्वार्टर टू नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे, मैक्वेरी कह रहा है ग्रॉस मार्जिन पर नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए उसका एक असर आता हुआ नजर आया, लेकिन त्योहारी सीजन का जो आउटलुक अच्छा नहीं दिया ना उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है, इसलिए न्यूट्रल रेटिंग। और जेफरीज की बाय रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य दे रहे हैं 13,400 का, यहाँ से तो बहुत ऊपर रह गया 13,400, लेकिन कंपनी के मार्केट शेयर में इजाफा देखने को मिला। वो कह रहे हैं CNG बाइक वॉल्यूम बढ़ेंगे, ब्राजील में क्षमता विस्तार पर कंपनी काम कर रही है, सब पॉजिटिव है, और 2027 तक सालाना वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 14% तक संभव है। कैसे 14%, कंपनी खुद कह रही है 5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये आज मूड बहुत खराब हुआ ऑटो इंडेक्स, बहुत भरोसा था कि त्योहारी सीजन में अक्सर आउट परफॉर्म करते हैं ऑटो स्टॉक्स, बहुत चल चुके हैं ये स्टॉक्स, पहले बहुत चल चुके हैं। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस अलर्ट सिग्नल भी दे रहे थे कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होंगी, हायर साइड पे एक डिप आएगा तो फिर खरीदारी का मौका आएगा। अब वो डिप आ गया,
तो देखते हैं कि क्या यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। लेकिन जो गहरी चोट आई बजाज ऑटो की वजह से उससे उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज 3% तो ऑटो इंडेक्स ही टूट गया, बजाज ऑटो 11.5% नीचे, टीवीएस मोटर 4% नीचे, जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रहा था तब तक हीरो मोटोकॉर्प 3.5% नीचे, M&M 3% नीचे, मारुति 2% नीचे, आयशर मोटर्स 1.5% नीचे। तो क्या टू व्हीलर क्या फोर व्हीलर सब पंचर हो गए आज के सत्र में, इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। और निफ्टी खुद पहले 24900 तोड़ के फिर 24800 तोड़ गया आज के सत्र में। अब आज के सत्र में मेन कल्प्रिट तो ऑटो इंडेक्स ही है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी बिकवाली ज़्यादा हावी हो गई। अभी भी इंपॉर्टेंट जोन है, पिछली बार भी 24700 के जोन से पलटे तो देखते थे कि आज बचा पाएंगे कि नहीं, लेकिन 24700 के लेवल के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जब तक ये लेवल होल्ड है तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाला दिन है, कुछ भी हो सकता है। तो डरे घबराए नहीं, ऐसा फेज आता है एक बार मार्केट में, और जहां पर बहुत भरोसा हो, पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत मोटे मोटे हो रखे हो, अगर वहां पर पहला डिसअपॉइंटमेंट पहला एक्सीडेंट आ जाए ना किसी तिमाही रिजल्ट्स में, जो कि इस बार बजाज ऑटो के साथ हुआ, तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, पोर्टफोलियो चर्निंग होती हुई नजर आएगी। निफ्टी पे जहां पर ओवरवेट हो रखे थे ऑटोज में, उसमें से थोड़ा सा पैसा निकल के किसी और सेक्टर में जाएगा। अभी तो बहुत नतीजे आने हैं, आईटी कंपनियों के नतीजे आने हैं, बैंकिंग सेक्टर के नतीजे आने, देखते कैसे पैन आउट होते हैं। लेकिन ये क्वार्टर टू रिजल्ट का पहला बड़ा एक्सीडेंट था, सीधा स्टॉक आए लोअर सर्किट पे बजाज ऑटो, बहुत समय बाद हमने ऐसा देखा बजाज ऑटो के साथ होता हुआ। तो देखते हैं यहां से कैसे उभर पाएगा बजाज ऑटो, क्या रणनीति रखेंगे वो आने वाले समय के लिए। लेकिन आज ऑटो सेक्टर में गिरावट, खासतौर से बजाज ऑटो में गिरावट, ये एक मेन कल्प्रिट था स्टॉक मार्केट गिरावट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।